हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम तबालुदा जी, क्या बोले? हाँ मौलाना शाहिर साहब बोल रहे हैं, शब्बीर अहमद, शाहिर रजा। आपने अभी मतलब वो आपके नाम समझ सुन में के नहीं क्या आएगा, वो कहा? मैंने अरबी में बोला था ना, तो आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको अरबी आती नहीं नहीं है। नहीं नहीं वो आप अरबी आइएगा आपने मेरे गलत पास, पढ़ा। सीख लीजिएगा, आपको पूरा दिन सिखा दूंगा। आपने अरबी गलत पढ़ा। अरबी गलत पढ़ा, वो आपको कैसे पता चला? नहीं वैसे पता चला इसलिए कि दोबारा फिर पढ़ो। तो आपको अरबी आती है पूरी? अरे वो पढ़ो तो सही, हाँ कुरान तो कुरान कुंडे की को आयत अरबी तुम में पढ़ क्या रहे हो, कहते गलत हैं? जो पढ़ रहे हो। जो कुंडे की नियाज होती है, कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? फिर अबे गधा, कहीं का तुमने कुरान की आयत वही गलत चीज पढ़ी, फिर जानवरों से पे पहुंच पढ़ो। गए। सही कहा है तुम्हारे आलिमों ने कि भाई जो मुकल्लिद अरे होता है वो अदब जाहिल आदमी के है, साथ मैं साथ बोल रहा जानवर हूँ भी कि तुम होता है। अभी कुरान की आयत पढ़ रहे थे ना, वो वो आयत थी क्या थी, वही तो कह रहे हैं ना मेरे भाई, इल्म हासिल करो उसके बाद बात वो किया क्या है? करो। अच्छा बताओ वो क्या है, वो क्या है अच्छा ये जो बता तुम दो, पढ़ रहे थे, तुम वो क्या है जो आज तुम पढ़ तक रहे थे? आपने अबे अपनी जिंदगी में किस मसले में यार तकलीफ मैं बोल रहा की हूँ कि अभी जो तुमने पढ़ा है वो क्या थी, भाई जिन ना जागे वो कुरान की आपका, आयत आपसे जो पूछ थी, रहा हूँ वो बताइए। हदीस हदीस रसूल का कोई टुकड़ा था या क्या था, वो बता जल्दी से। वो आपके समझ में नहीं आएगा ना, आपके लिए हुज्जत नहीं है, अरे आपके मेरे लिए इमाम समझ का में कौन नहीं हुज्जत है? आएगा तो बेवकूफ, तेरे समझ में तो आएगा ना, हाँ तो मेरे समझ में आ गया, इसीलिए तो मैंने समझ लिया ना। अब आपके समझ में नहीं आ इसलिए रहा तो तो आप बोल रहा ना हूँ कि तुम समझिए। फिर पढ़ो ना, फिर मौलाना पढ़ो शाहिर इसको, रजा साहब, आपने अपनी जिंदगी फिर में कौन से पढ़ो। मसले में तकलीफ की है बताएंगे? थोड़ा अरे हमको भी मैं तकलीफ क्या करना है। बोल रहा हूँ कि तुम फिर से पढ़ोगे उसको? फिर मेरे भाई बाल की खाल अब पकड़ ली। अब हम अरे जानते हैं तुम बाल मेन की सवाल का खाल जवाब नहीं नहीं, दोगे। तुझे मेन तुझे पहले सवाल के वो जवाब सलाम से करना भी भागते नहीं रहोगे। आता मैं था जब लगता है फोन यहाँ, करता हूँ तुम और चप्पल तुम जूता बोल रहा फौरन इधर उधर। पहन के भागने की तैयारी कर लेते हो। अरे चप्पल जूता तो तू भाग तो रहा है, ये सबसे तो बताइए ना पहले ही जल्दी भाग गया। से कि आपने कौन से चप्पल मसले जूता में छोड़ इमाम के, चप्पल आजम अबू हनीफा रहीमुल्लाह की जूता तकलीफ छोड़ की? करके अब अरे तू बताओ खान ना भाग मेरे भाई, गया जाए। बड़बड़ा अरे क्यों रहे हो? भाई मैं कोई बदतमीजी थोड़ी ना कर रहा बड़बड़ा तो हूँ। तुम रहे हो, मैं तो पूछ रहा हूँ कि मैं सबसे तो पहले सिंपल तुमने क्या सवाल पढ़ा, वो पूछ हदीस रहा है या हूँ कि कुरान की आपने आयत? कौन से मसले में भाई मैंने अपने ऊपर पूछा कि तकलीफ वाजिब तुमने की है? जो पढ़ा अभी अभी जो तुमने पढ़ा, ये मैं एक कुरान की बार आयत है पढ़ता या हूँ बार हदीस? बार भाई, मैं नहीं पढ़ता हूँ ठीक है। कान में सांडे का अरे तेल बार बार हमेशा अपने डाल के रखा करो, एक बार बार भी बार फिर नहीं लिया बोलता करो। है तो बार बार सबको तो तू वही बोलता है, अस्सलामु अला झूठ मन बोले, तू इत्तबाल झूठा भी हुदा, साबित हो गया। सलामती हूँ क्या उन पर जो बोला, हिदायत लाए हूँ। क्या 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 बोला, फिर से फिर बोला। बहरे हो गए? अब क्या बार बार एक ही चीज पढ़ता रहूंगा अबे जाहिल आदमी? जब मैं अब पूछता हूँ जल्दी तू बोलता बताओ नहीं है, कि इमाम अबू फिर अब हनीफा मैं पूछता रहीमुल्लाह हूँ, की सुनो, तकलीद आपने अपनी मैं फिर जिंदगी में पूछता कौन हूँ, से मसले में की है, मैं थोड़ा उसकी फिर वजाहत पूछता, कीजिए। मैं तुझे फिर पूछता हूँ कि तूने क्या पढ़ा था। भाई मैं आपके अब्बा जान का नौकर तो हूं नहीं कि आप मुझसे जो पूछेंगे अबे आपको ले बता दूंगा। बेवकूफ आजम, जब पूछता हूँ तो बताता नहीं है, और जब मैं बोलता हूँ मैंने तो पढ़ दो लेता बार है, बोल दिया, पता कान नहीं में का। आपके मेरे भाई मैल जमा हुआ है तो पहले उसको साफ करो ना। मुझे ये बता कि तूने क्या पढ़ा, वो कहाँ हदीस है या सवाल की कुरान की दुकान खुल आयत? गई? अरे मेरे भाई आप इतने बड़े भिखारी, आप खुद फोन करके मुझसे पूछ लिया करो ना। जब मैंने अच्छा, फोन तू करके मुझसे आपको सवाल करने सवाल कर आया रहा है? हूँ तो मेरे सवाल का जवाब तू मुझसे दीजिए। सवाल आपको बात करने करने आया का है? आदाब भी नहीं मालूम है? तू मुझसे सवाल आपको करने बात आया करने है? का आदाब मेरे भाई मालूम नहीं है? जब कोई इंसान फोन करता है किसी को तो वो सवाल करता है, तो सवाल का जवाब दीजिए ना कि उससे उससे उल्टा सवाल आप स्टार्ट कर दीजिए। ये पढ़ो वो पढ़ो फिर से बताओ ये तो करो। साहिल, अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको नहीं टोका जाएगा? हाँ तो तो क्या गलती की बताओ ना। अरे वही तो पूछ रहा हूँ कि तुमने वो जो पढ़ा तो जब था वो तुम्हें कुरान की पता ही आयत नहीं है मेरी हदीस? गलती क्या है तो तुमने बिना भाई मतलब पकड़े कैसे मेरे ऊपर फतवा ठोक दिया गलती का? अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ कि एक बार क्लियर तो कर मेरे सामने, कितना अरे दो बार कर बड़ा दिया, पागल अब क्या आदमी है। मेरे भाई क्या मैं गाना गाता रहूं तेरी फिर से तरह? बोल, फिर से बोल। ये बताओ इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह की कौन से अबे मसले में यार तकलीफ पहले वो तो तुमने की आज क्लियर तक कर, अपनी जिंदगी में? पागल पागल आदमी है कहाँ तो जाहिल को झूठ क्या मुकल्लिद जा रहा होता है। है, जाहिल भी मुकल्लिद होता है ठीक है। अब जल्दी बताओ जाहिल तो कौन से तू है, मसले में इसलिए तो तकलीफ मेरे की है सवाल करने आपने? आ गया, क्योंकि मौलाना शाहिद अगर रजा जितने साहब, आप तुमसे ऐसे बता तो आया बहुत चैलेंज हूँ। करते हैं कि मेरे को कोई फोन नहीं करता, सब भाग जाते हैं, जब आपको फोन करते हैं तो आप भागने लगते हो। ये क्या मेरे भाई गलत अभी चीज तू है भी तो आपकी? मांगेगा, अभी आप तू भी तो बताइए ना मांगेगा। जल्दी तू से, इमाम सवाल अबू करके ये हनीफा साबित रहमतुल्लाह कर की दिया, तकलीद आपने तू कौन से मसले सवाल में की? करके ये साबित कर अपने दिया कि इमाम को तुझे कुछ छोड़ आता के अब जाता दाएं नहीं बाएं मत है। भागो मेरे तूने भाई, शागिर रजा को अपने इमाम आलिम को मत समझ के छोड़ो, सवाल किया, अपने इमाम को ये तीन मेरे इल्म तलाक की मत दो, दलील चार है तकबीरें और कह के तेरे उनको जाहिल मत होने की दफनाओ। दलील साबित हो गई, क्योंकि तूने मुझसे सवाल किया, पहले अपने इमाम की तकलीफ तो तूने साबित मुझसे करो। सवाल किया, तू अरे मुझे जाहिल बता आदमी कि मैं जो पूछ साहिल रहा हूँ क्यों वो होता है। सुनोगे कि जिन जाग गया आपका? अबे तू, मैं आपका तो जिन जाग तुमको गया पूछ रहा क्या? हूँ कि तूने सबसे पहले क्या मेरे पढ़ा, प्यारे कुरान की भाई, आयत है मेरे या हदीस? मौलाना शाहिद रजा अल्लामा साहब,
मुझे इतना बता दीजिए कि आपने अपनी जिंदगी में, अब आपकी उम्र भाई मरने की आ रही है, कब्र में पैर आपके लटक रहे हैं, तो आप ये बताइए इतनी बड़ी उम्र में आपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की कौन से मसले में तकलीफ की? मेरी उम्र कितनी है, मेरी कितनी उम्र है? बस ये समझ लो मरने वाले हो बहुत जल्द, इसलिए मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो, और ये जो अंधी तकलीफ से तौबा कर लो लो भाई, अंधी तकलीफ से तौबा कर लो मेरे भाई, कब्र में पैर आपके झूल लें, कब मौत का फरिश्ता आके आपको ले जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मरने से पहले तकलीफ से तौबा कर लो, कब्र में पैर झूल रहा है मेरा, मरने से पहले तकलीफ से तौबा कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। अरे बकलोल आजम तू फिर गाली देने लगे, इल्मी सवाल करते हैं तो बस जबानी पे आ जाते हैं, गाली है नहीं तो क्या, नहीं आप अपने अब्बा को मतलब क्या बकलोल बोलते हो? अबे तू तो बकलोल है तो तुझे बकलोल बोल रहा हूँ भाई। होता क्या है बकलोल, अरबी में इसको क्या कहते हैं? अरबी में इसको क्या कहते हैं बकलोल को? अरबी में क्या कहते हैं? अरबी में क्या कहते हैं बकलोल को? अजहल कहते हैं। अजहल तो मेरे भाई मुकल्लिद होता है ना, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, इसलिए तो तुझे बोल रहा हूँ। लो यार मेरे भाई, तुम्हारे आलिमों ने तुमको बताया है और तुम अपने ऊपर से कयास करके मेरे को बोल लो, हद है मेरे भाई। कुरान की रोशनी में। अच्छा ठीक है शब्बीर रजा साहब, ठंडा पानी पी लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए, एकदम परेशान मत होइए, आप परेशान ना होइए, पसीना पोंछ लीजिए, अब कुरान आपका उस्ताद है, आपको पूरा दिन सिखाएगा, आप क्यों परेशान है, आप टेंशन ना लीजिए, आपके मरने से पहले इंशाल्लाह आप इस्लाम कर देंगे, आपकी मरने से पहले आपकी इस्लाम कर देंगे, आप परेशान ना होइए, अब खान आपका उस्ताद है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन मरेगा, कब मरेगा, बता दीजिए, अल्लाह को पता है, तुझे माज अल्लाह, यानी कि अल्लाह के नबी को नहीं पता है, यानी कि अल्लाह के नबी को इल्मे गैब नहीं था। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, यानी कि शहीद रजा ने खुद ये साबित कर दिया कि इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह को है, सुभान अल्लाह, अहले हदीस की दावत अल्हम्दुलिल्लाह रख ला गए। इल्मे गैब का इनकार कैसे हो गया? अबे खुद ही बोलता है फिर कहता है इनकार कैसे हो गया? तूने कहा कि मैं कब मरूंगा सिर्फ अल्लाह जानता है, तो अल्लाह जानता है यानी कि अल्लाह के नबी नहीं जानते, अल्लाह के नबी नहीं जानते इसका मतलब अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था। और ये कहता है कि नबी को नहीं पता, इसका मतलब क्या भाई, नबी भाई, है? ऑडियो भी शेयर नहीं हुई है, पब्लिक को आप ना सुनाइए, मेरे को बताइए, मेरा जवाब दीजिए। औऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, औऊज़ु बिल्लाहि मिन। हाँ 100 बार पढ़ा करो दिन में मेरे भाई, तुम्हारे ऊपर शैतान ज्यादा मेरे भाई सवार हो जाता है। मुझे बता कि सुनो पहले, मुझे पता हुआ कि मैं कब मरूंगा? अल्लाह के नबी को इल्मे गैब था कि नहीं था? नबी है क्या? अल्लाह के नबी को इल्मे गैब था कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह नबी को इल्मे गैब अता ही था। तो आप काफिर हो गए मेरे भाई, क्योंकि आपके आला हजरत ने कहा जो ये कहे कि अल्लाह के नबी को गैब का इल्म था वो काफिर है। चलिए आपके आला हजरत ने आपको काफिर साबित कर दिया। मलकुजात आला हजरत और पेज नंबर 33 और 34 पे लिखा हुआ है, जाके पढ़ लेना, जिल नंबर 3 में, ठीक है? अबे रुको एक मिनट, अब आप काफिर साबित हो गए, आपके आला हजरत ने आपको काफिर बना दिया, आपने नबी का इल्म गैब मान लिया, अस्तगफिरुल्लाह माजल्ला तौबा तौबा तौबा, शाहिर रजा को मेरे भाई काफिर साबित हो गए। आला हजरत ने साफ साफ कहा था, उनका कौन है ये कि जो ये कहे कि अल्लाह के नबी को गैब का इल्म था वो काफिर है, तो आप तो काफिर हो गए। अब बताइए आपके इमाम ने आपको काफिर बता दिया, अब आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है। अस्सलाम वाला मन तबाल मुदा, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे।